ये देखो दोस्तों, टीचर्स डे की तैयारी चल रही है। क्या बना रहे हो? सुप्रभात आचार्य प्रधानाचार्य जी, शिक्षकों और मेरे सभी दोस्तों, हम सभी शिक्षक। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला प्रणाम, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है सैटरडे और सैटरडे और संडे हमारा स्कूल का ऑफ रहता है, तो मुझे ना हफ्ते में दो दिन का इंतज़ार रहता है कि कब सैटरडे आता है और कब संडे आता है, क्योंकि थोड़ा सा ना आराम मिलता है। और हालांकि आज छुट्टी है, लेकिन हमने ना फिर भी ऑनलाइन क्लास लगाई, तीन क्लासेस लगी। बच्चों की कॉपी वगैरह चेक करनी थी और बस उनसे पूछना था कि उनका वर्क कम्प्लीट है नहीं है, क्योंकि जितना ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो बस इस तरीके से क्लास लगी। बाकी फ़िलहाल नहा धो के अभी मैं आई हूँ, बहुत सारे मुझे कपड़े धोने हैं, स्कूल के, घर के, पापा के, भैया के। और मौसम भी अभी ना मतलब बादल लगे हैं, तो इसलिए धूप नहीं लग रही है, तो फटाफट धोते हैं कपड़े। और परसों के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, देखो नदी बहुत गंदी आई थी, और आज देखो नदी साफ़ हो गई है, और फिर बारिश होगी तो फिर नदी गंदी आ जाएगी। तो चलिए मैं तो धोती हूँ फटाफट कपड़े, और मेरे साथ वैशु भी आई है। वैशु हेलो, वैसु हेलो, वैसु का ध्यान ही नहीं है। और जिज्ञासा भी आई है, जिज्ञासा हेलो। तो ये अपना खेल कर रहे हैं, फिर दिखाऊंगी ये क्या खेल कर रहे हैं, तो तब तक मैं यहाँ से कपड़े धोती हूँ, बहुत सारे कपड़े धोने हैं। कपड़े मैंने धो दिए हैं और थकान लग गई बहुत ज़्यादा, और नीचे ना इनका पता है बहुत सारा, मतलब बारिश में जो है बाढ़ आती है तो रेता वेता बह के आता है ना, मिट्टी मिट्टी बह के आती है, तो इनका यहाँ पर टीचर्स डे की तैयारी चल रही है। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो दोस्तों, टीचर्स डे की तैयारी चल रही है। क्या बना रहे हो? केक कहाँ बनाया है? पका रहा हूं। दोस्तों ये देखिए बेसन के लड्डू, भी पका रही हूं। भी तो दोस्तों यहाँ पर ये लोग ना टीचर्स डे की तैयारी कर रहे थे, जैसे कि टीचर्स डे कल आने वाला है, तो उन्होंने मेरे लिए केक बनाया है और ये बेसन के लड्डू बनाए हैं। तो चलो आओ केक कटिंग करेंगे तीनों के तीनों। Happy Teacher's Day! Teacher's Day! लो खाओ, 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 लो तुम खाओ, लो बेसन के, लो एक लड्डू दोस्तों, और इसमें दोस्तों खाओ जल्दी, घर जाना है, लो चल। हो गया ना, टीचर्स डे मना दिया, लड्डू। तो दोस्तों टीचर्स डे तो मना दिया एडवांस में, तो अब चलते हैं घर को, आ जाओ चलो, तो फिर मिलते हैं आपसे घर जाकर। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7:10 हुए हैं, तो दिन में कपड़े धोने के बाद से फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, और अभी आए हैं हम भाभी के दो मंजिले वाले रूम में। तो भाभी यहाँ पे पूजा करने आई है, तो भाभी का मंदिर वाला रूम आपको दिखाते हैं। भाभी दिया जला रही है, ये देखिए दोस्तों, ये है भाभी का मंदिर का रूम। तो जिज्ञासा लोग के नीचे रूम पे आ गई हूँ मैं,
और मम्मी ने बोला इनको लेके वहीं जाए इनके घर, क्योंकि ना ये घर में बहुत हल्ला मचाते हैं। और क्या कहते हैं, कल टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पे कल जिज्ञासा बन रही है मैम, मतलब अपने स्कूल की एक टीचर बनना है इसको, और ये इंग्लिश की मैम बनी है, तो इसको थोड़ा कल के लिए ना मैं तैयार कर रही हूँ। और कल व्लॉग दिखाऊंगी मैं इनका स्कूल का, मैं और भाभी जाएंगे। तो कल जैसे कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिवस है, तो उनका जो जन्मदिन है वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसीलिए जो है जिज्ञासा को उस पे ना मेरे को कुछ मतलब स्पीच देगी है, तो 3-4 लाइन वो भी याद करानी है, और एक टैग बनाना है, मतलब जो मैम को बनना है ना तो उस मैम का नाम लिखना है, तो वो टैग भी हम बनाएंगे। और मेरी एक सब्सक्राइबर है विनीता, जो रामनगर से हैं, तो वो कह रही थी ना कि जिज्ञासा से बोलना, जिज्ञासा पहाड़ी में कुछ बोलना, तो जिज्ञासा दीदी से क्या बोलेगी पहाड़ी में? दीदी का नाम भूल गई, विनीता दी। हाँ विनीता दी, तुम कैसे हो? कस छा छी कुनाला, और यहाँ कैस माहौल है रहा, और मुकु बताया, और तुमर तुमर तुम क्या करण छा, तुम क्या करण छा, और कल बस वैसे जिज्ञासा पहाड़ी बहुत अच्छा बोलती है ना, वो अभी कंफ्यूज हो जा रही है, और वैशु की तो सैतानी चल गई है। वैशु क्या बन रही है कल टीचर्स डे में? कृष्णा। हाँ टीचर्स डे में भी कृष्णा ही बना। सर्वराधा। तो चलिए फिर सबसे पहले हम इसका बनाते हैं मैम का टैग, मतलब नेम प्लेट बनानी है। तो दोस्तों ये देखिए टैग तो बना दिया हमने, जिज्ञासा बन रही है रोशनी मैम। दोस्तों मैंने ना जिज्ञासा के लिए हिंदी में स्पीच तैयार कर दी है, और थोड़े थोड़े कठिन वर्ड्स हैं जो जिज्ञासा को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब बार बार जो है स्पीच को पढ़ना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छे से कल मुझे लग रहा है जिज्ञासा बोलेगी। और ज़्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत मैंने इसके लिए स्पीच तैयार किया है, तो दोस्तों आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनेगा और ज़रूर बताइएगा कि मैंने स्पीच कैसे लिखी है। तो चलो जिज्ञासा शुरू करो। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी शिक्षकों और मेरे सभी दोस्तों, हम सभी शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मे श्री गुरुवे नमः। हमारे देश भारत ने शिक्षक दिवस सन 1962 से प्रतिवर्ष दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन गुरुओं के योगदान और सम्मान को व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। विद्यालयों में बच्चे गीत, नाच तथा नाटकों के माध्यम से गुरु की महिमा को दर्शाकर उन्हें याद किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपको मेरी स्पीच कैसी लगी और मेरी बुआ ने कैसी स्पीच बनाई है तो मुझको जरूर बताएगा, और कल मैं आपको स्कूल में माइक में जोर से आवाज आएगी। अभी तो खैर आपको कमी आ जाएगी, उस समय ज़्यादा आएगी, और अभी चलो फिर स्पीच की और प्रैक्टिस करनी है, सोने भी मन बच गया जाऊँगी। तो मिलते हैं अब, बाय बाय कल मैडम बनकर। तो दोस्तों जिज्ञासा को प्रैक्टिस हमने करवा दी है, और जिज्ञासा काफ़ी अच्छा बोलने लग गई है,
और भाभी जी देखो यहाँ रोटियां बन रही है, इसकी बेटी को मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ और वहाँ घर में मम्मी मेरी रोटी बना रही है, इसका खाना भी बन गया है भाभी का। तो मैं बुआ नीते के जब नहीं जली फिर जी के कर आई। और ये जिज्ञासा है इसका पढ़ना लिखना सब चौपट है दोस्तों। तो अब मैं भी चलती हूँ घर और तो चलो भाभी कह रही है एक रोटी खा ले तो एक रोटी खाती हूँ और आपको भी मिलते हैं कल टीचर्स डे के ब्लॉग में। और आई होप कि वो ब्लॉग बहुत ही मजेदार होगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट बोले भाभी।